हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जैसे ही एकनाथ राव खड़से राष्ट्रवादी कार्यालय में पहुंचे, वैसे ही राष्ट्रवादी कार्यालय में गजब का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा था। बात रविवार की है, जब पहली बार एकनाथ राव खड़से राष्ट्रवादी कार्यालय में प्रवेश किए होंगे। शुक्रवार को खड़से के राष्ट्रवादी प्रवेश के बाद पहली बार खड़से जलगांव जिले में आए हैं और मुंबई से मुक्ताई नगर तक लगातार हर जगह, हर शहर, हर गांव में उनका स्वागत किया जा रहा था। खड़से के समर्थक बहुत खुश हैं। उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेते हुए भाजपा पार्टी को राम राम कर दिया है। आज जो भी मैं हूं, जिस मुकाम पे भी पहुंचा हूं, आज अगर कोई गुरु जगवानी की पहचान है पूरी सिंधी समाज में, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर, तो माननीय एकनाथ राव खड़से की वजह से है। उन्होंने मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो मेरे जाने का कारण भाव के साथ ही है। जहां भाव जाएंगे मैं उनके साथ साया बन के साथ में रहूँगा। और आज तो दशहरे का दिन है, माननीय श्री रामचंद्रपुर भगवान का दिन है, तो मैं उनके साथ हनुमान की तरह बन के कभी भी जहाँ भी जाएंगे उनका साया बन के उनके साथ। मुक्ताई नगर में जब वो पहुँचे तो उनका स्वागत भाजपा की सांसद और बहू रक्षा खड़से ने किया। यह बहुत ही अलग तरह का दृश्य था जब भाजपा के सांसद राष्ट्रवादी के एक कार्यकर्ता का स्वागत कर रहे थे, लेकिन यह स्वागत राजनीतिक नहीं था, यह पारिवारिक स्वागत था। एक बहू अपने ससुर का स्वागत कर रही थी और ऐसा नजारा बहुत कम ही देखने के लिए अब मिलता है। खड़से के कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि ऐसे नजारे अब लगातार खानदेश में देखने के लिए मिलेंगे, जो शायद ही देश भर में भाजपा को देखने के लिए मिले होंगे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।